हेलो साथियों, आप सभी को स्वागत है गुड्डू सर ब्लॉग पर। मेरे साथ युवा नेता जो हमारे बड़े भाई हैं अरविंद सिंह यादव हैं, जो कि केवला पंचायत के वर्तमान नव निर्वाचित शिक्षित मुखिया हैं। अब आपको लग रहा है कि शिक्षित आप क्यों बोलते हैं, पहला मेरा इंटरव्यू है मुखिया जी के साथ और आज तक मैं किसी मुखिया जी के साथ इंटरव्यू नहीं किए हैं। सो आप इनसे कुछ मुलाकात कराते हैं, कुछ बात कराते हैं और मेरी सवाल तो वही रहते हैं कि आप शिक्षा के क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं। तो भी आपको बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार। हम लोग दोनों एक ही कहीं प्रोग्राम में गए हुए थे तो भैया का ही फोर व्हीलर से हम जा रहे हैं। आप सबको पता है कि मेरा भी गाड़ी नहीं है, पर जल्द हो जाएगा, पर अभी जरूरत भी नहीं पड़ता, हम कभी काल निकालते हैं भैया घर से, है ना। तो मिलाते हैं और इनसे कुछ बात करते हैं। भैया रोड अभी का पंचायत का है क्या? नहीं, प्रखंड पड़ता है। अच्छा, ये क्षेत्र क्या है? अभी उतना तो नॉलेज नहीं, आप बताइए क्या बोल रहे थे। अति पिछड़ा कुछ पूर्वी क्षेत्र कुछ बोल रहे थे इसे, पिछड़ा क्षेत्र। हाँ, क्या मोहनपुर प्रखंड के केवला पंचायत अति नक्सल प्रभावित कहलाया जाता था पहले। हाँ। और पिछड़ा क्षेत्र कहा जाता था। अच्छा अच्छा। और उसी पंचायत से जनता ने मुझे भरपूर बहुमत के साथ जिताने का काम किए और मुखिया पद पर बैठाने का काम किए हैं। इसके लिए मैं केवला पंचायत के तमाम जनता को धन्यवाद, नौजवान साथियों को भी इस चैनल पर। भैया सिर्फ पढ़ाई लिखाई का बच्चा नहीं है, सब तरह के लोग हैं। जी जी, ये मेरा सेकेंड चैनल है, यहाँ पे सब तरह के लोग रहते हैं। तो जो लोग आप जो सबसे पहले है कि कौन सा विधानसभा जो आपका पंचायत बारा चट्टी विधानसभा गया, यही ना? रास्ता हमें बहुत खराब मिली, इसके बारे में कुछ लिखेंगे विधायक के जी। विधायक को हम लोग यहाँ से लिखे हैं, इससे पहले हम लोग तो गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर भी हैं। अच्छा अच्छा, ठेकेदार भी हैं जी। हमको पता था, हमको नहीं पता था। हाँ। जिस रास्ते से हम चल रहे हैं, इस रास्ता एमआर के तहत चला गया है। अच्छा, तो वहाँ चला गया है और सरकार ये के फंड के कमी के कारण ये सब काम नहीं हो पा रहा है, हिल रहा है रोड की वजह से। और ये हम लोग का जो मुख्य रोड है मंझौली से लखेपुर, बीच में एक नदी पड़ती है, उसके लिए लगातार हम लोगों ने मांग उठाने का काम किए हैं। अभी नौ पिछले वर्ष हुए चुनाव में माननीय ज्योति मांझी जी जीती हैं, तो वो भी कितने बार कह के गई हैं, लेकिन इसके बाद फिर वो चुपचाप हैं, उनको इस मुद्दा से कोई लेना देना नहीं है। बस चुनाव हुआ, बात खत्म हो गया। लेकिन वरीय पदाधिकारी से बात करने के क्रम में पता चला है कि टेंडर प्रक्रिया हम लोगों को जारी है, तो इसका भी जारी है। आप लोग कोशिश भी करिए, क्योंकि आप लोग भी यार नया चेहरा है। हम लोग बिल्कुल कोशिश जारी है और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी सरकार के आदेश बार बार लॉकडाउन स्कूल बंद करने का ये आग्रह है, बाकी सारा चीज चालू रखता है। इसी चीज से हम लोग क्या कर सकते हैं, ऊपर का सरकार जो है वो खास करके स्कूल पर ही पता नहीं क्यों पड़े हुए हैं कि स्कूल सिर्फ और कोचिंग बंद रहे और सब चीज चालू रहे। स्कूल को चालू करवाते हुए सभी सरकारी शिक्षक को सुचारू रूप से चलाने का काम करेंगे। मेरे पंचायत में जो भी शिक्षक हैं वो नियमित ड्यूटी करेंगे। अप्रैल के बाद मेरा पूरा अभियान रहेगा, उसी में शिक्षा के निर्देश में जो भी हैं वो 5 घंटा के ड्यूटी जो होता है वो अपना स्कूल में देंगे निरंतर। जिनको छुट्टी पर रहना वो अपना बजाते लेटर के साथ सूचना पट पर लगाएंगे, उसके बाद ही छुट्टी मान किया जाएगा, अन्यथा जो भी शिक्षक स्कूल में अनुपस्थित पाए गए उस पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। ये आपके शिक्षा, अभी हम आपके साथ करीब इनके साथ 2 घंटा से, बहुत लोग इनके पास आए तमा तमा। एक काम मेरे लिए करिएगा भैया, इस जो पंचायत है, इस जो बहुत एजुकेशन के मामला में बहुत अशिक्षित है, भी बोल सकते हैं हम इस बात को, थोड़ा सा कुछ नया करिएगा जिससे लोग हमारे। एक सवाल थोड़ी कड़वा है भैया, और बात है कि जैसे कि आपने कहा कि मैंने स्कूल में टीचर को हमेशा रखूंगा, बात है कि टीचर तो आपके स्कूल में कुछ ही सही है और बाकी तो आप जानते ही हैं कि जो 2006-07 का शिक्षा वित्त वाला है, इस पर हम बदनाम भी बिहार सरकार से फिर भी उठाएंगे, तो उससे गड़बड़ है। तो एक उपाय इसका है, मैंने एक वीडियो के माध्यम से मेन चैनल पर इसका उपाय बताया था नीतीश कुमार को, और पता नहीं वो मेरे वीडियो देखते हैं कि नहीं।
जैसे कि दिल्ली का जो अरविंद केजरीवाल, आपका भी नाम अरविंद है, इनका नाम भी अरविंद है और अरविंद केजरीवाल जी भी है, वहाँ का शिक्षा व्यवस्था आप भी जानते होंगे कि प्राइवेट जो कोचर टीचर स्कूल था उसका फेल कर दिया सरकारी स्कूल। उसकी वजह यही है कि वहाँ के जो लोगों के टीचर जो हाँ थे सरकारी, उसको हटाया नहीं, उसको उन्होंने एक अलग से ट्रेनिंग देने का काम किया। तो क्या ये पावर आपके पास है, हम जानना चाहते हैं ये पावर आपके पास है? पावर मेरे पास नहीं, ये पावर अगर बिहार सरकार चाह जाएगी तब होगी, तभी होगी। हाँ हाँ। और नीतीश कुमार ये चीज नहीं चाह करके, वो सिर्फ तरह तरह का सिर्फ तंत्र लगाते हैं शिक्षक को, दारू पकड़ने पर लगाते हैं, कभी कभी उनका जो दिमाग है सड़क जाता है, तो हम लोग क्या करें। हम लोग तो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव छोटे विधानसभा से आते हैं, छोटे मतलब छोटे इकाई से आते हैं, तो इसमें जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देश दिया जाएगा उसी को हम सुचारू ढंग से चलाएंगे। हाँ। पंचायत में उसी को सुचारू ढंग से हम लोग उपयोग कर पाएंगे और वही कर सकते हैं जो सरकार का दिशा निर्देश, सरकार का दिशा रहेगा वही काम हो पाएगा, बाकी कुछ है नहीं। और जो आपके क्षेत्र में नवयुवक है, आपको बहुत सपोर्ट किया और आपको वीडियो देखने वाले लोग भी काफ़ी तारीफ करेगा कि आप युवा चेहरा हैं, और आपको शायद पता नहीं आप बिहार का चेहरा बन गए है ना, क्योंकि ये वीडियो पूरे बिहार के लोग देखेंगे। तो कुछ संदेश देना चाहते हैं युवाओं का? जी, बिहार के जितने भी नौजवान हैं जो भी पंचायत से हैं, अभी तक के तो हमने देखा यूट्यूब के माध्यम से विपिन सर, हाँ, हमारे दोस्त विपिन सर हैं, और बहुत से नौजवान मुखिया बने हैं, उसमें मैं भी हूँ, और ये सभी लोगों से मेरा गुजारिश है और उम्मीद भी रखता हूँ कि जनता और युवा जिस उम्मीद से हम लोगों को जिताई है, उस उम्मीद पर हम लोग कुछ नया करके दिखाने का काम करेंगे। और मार्च के बाद जब सर पावर आप लोग का मार्च में आएगी? नहीं, पावर तो मिल चुका है, पावर मिल चुका। बशर्ते नया का जो पुराने लोग अभी करके गए हैं, ये वित्तीय वर्ष हम लोग 31 मार्च के बाद ही कुछ कर सकते हैं अपने अनुसार। अच्छा, अच्छा। ऐसे जो लोग पुराने करके गए हैं, जो योजना डाले हुए हैं, उसी अनुकूल हम लोग को अभी काम करना है। अभी हम और सरकार का फंड भी उपलब्ध नहीं हो पाया है। अच्छा अच्छा अच्छा। और वही सभी जितने भी नौजवान लोग नौजवान मुखिया बनाए हैं, शिक्षित मुखिया बनाए हैं, सभी मुखिया जी लोग से आग्रह है कि अब भाई आप पुराने लोगों जैसा नहीं व्यवहार करें, पुराने लोगों जैसा नहीं कार्यकाल करें, कि जो जिस तरह से नौजवान लोग जिस उम्मीद से आप लोगों का जिताए हैं उसका भावना को ठेस पहुँचे। आप काम को तत्परता से सिखाइए, और मुखिया एक पंचायत का मेन अध्यक्ष होते हैं, तो सभी विभागों का, ये नहीं कि ये मेरा काम नहीं है, पंचायत में ऐसा कोई भी काम नहीं है जो मुखिया से बाहर है, बिल्कुल। प्रधानमंत्री का भी योजना है, उसमें अगर कहीं भी त्रुटियां हो आप जाकर के हस्तक्षेप करके उसको जांच करवाने का काम करें, ये आप जरूर कर सकते हैं। बहुत से लोग बोलेंगे कि यहाँ पर ये आपका मतलब नहीं निकलता, इसका बहाली दूसरा है, इसका दूसरा फंड है या कुछ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब एक पंचायत का मुखिया मुख्य रूप से अध्यक्ष हैं, तो मुखिया सारे चीज को मॉनिटरिंग कर सकते हैं, मुखिया सारे चीज, ये सरकार का भी दिशा निर्देश है और हम लोगों का भी, ये संविधान में लिखा हुआ है कि मुखिया ये देखेंगे सारी चीजों को। जैसे तो ये चीज को बहुत सारे नौजवान भाइयों जो जीत के आए हैं उनको बहुत सी जानकारी नहीं है, और बहुत से लिपापोती जो लोग किए हैं उन लोगों का लगेगा भी कि बहुत सारी जानकारी इन लोगों को नहीं दिया जाए। जैसे कि हम पॉलिटी जो पढ़ाते हैं, जरूरी काम है क्या? नहीं नहीं, पॉलिटी हम पढ़ाते थे, इतना हमको पता है कि बिहार का जैसे सीएम होते हैं, उस प्रकार से आप लोग पंचायत का मुखिया का सीएम का पावर है। तो आप लोग का और उम्मीद करेंगे कि क्षेत्र में आप कुछ बड़ा करेंगे, अच्छा करेंगे और कुछ रिसर्च करेंगे। मुखिया तो हर लोग बने हैं भैया, लेकिन आपसे एक ही गुजारिश रहेगा, कुछ रिसर्च करिए ताकि लोगों को नया लगे, और खास करके हमारी जो बात है कि अगर शिक्षा सुधर जाएगा तो सब सुधर जाएगा। जब कमाने खाने के लोग खुद, आप किसी को कितना दिन दे सकते हैं? शिक्षा को सुधार करना बहुत जरूरी है और इस पर आप ठोस कदम उठाइए। बिल्कुल, मैं शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आज जहां से हम लोग आ रहे हैं, हाँ, हाँ, बाबू, हाँ, वो आप समझ सकते हैं कि जो जीनियस करियर पॉइंट में पप्पू सर रखे थे प्रोग्राम, हाँ, हाँ, अगर हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में नहीं सोचते तो वहाँ नहीं जाते और उतना बढ़ चढ़ के समय नहीं दे पाते। कहीं ना कहीं जो उन लोग समय दे रहे हैं और
उन लोग भी चाहते तो कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी कर सकते। हाँ। आप जैसे लोग सरकारी नौकरी कर बीपीएससी क्वालिफाई करके आप हाँ। कहीं ना कहीं समाज सेवा मानते हैं, समाज सेवा मानते हैं हाँ लोग, तो कितना तो लोग समझते हैं कि ये बिजनेस के परपेक्ट से लोग कोचिंग चलाते हैं, लेकिन मैं आपको भली भांति जानता हूं कि आप जो हैं एक लगनशील व्यक्ति हैं जो कि सरकारी स्कूल में पढ़ करके, कोई प्राइवेट स्कूल नहीं, सरकारी स्कूल में पढ़ करके, और आप बीपीएससी क्वालिफाई करते हैं, और अभी 1000 से ज्यादा 2000 बच्चों को कम से कम आप पढ़ाने का काम पर डे करते हैं, ऑनलाइन 10000 बच्चे जुड़े और ऑनलाइन 10000 आपसे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन 10000 जुड़े हुए, ये जानकारी मुझे नहीं थी कि ऑनलाइन कितने जुड़े हुए। तो ये चीज को आपको, हमको गर्वान्वित महसूस होता है कि आप लोग जैसे अगर व्यक्ति इस समाज में हैं तो हमारा समाज जरूर विकसित करेगा, और नौजवान लोग जिस तरह से एक्टिव होकर के पढ़ाई पर ध्यान देंगे, आप लोग को क्लास पर ध्यान देंगे तो निश्चित विकास करेगा, और हम लोगों का जो जहां तक सहयोग है आप लोग के साथ एनी टाइम रहेगा। मेरा पंचायत में भी जितने भी निजी कोचिंग संचालक है, सभी लोगों को हमारे तरफ से जहां भी सहयोग की जरूरत होती है हम फौरन वहां हाजिर होते हैं। एक सवाल और है भैया, बिजली नहीं, एक सवाल आपसे और है, थोड़ी कड़वी है, सरकार के विरोध हम हमेशा रहते हैं, जहां अच्छा करते हम अच्छा दिखाते भी हैं। सरकार ने एक पॉलिसी लाई पंचायत में कि शिक्षक को शराब माफियों से मतलब पकड़ेंगे, जो शराब बेचेंगे या पिएंगे उनको पकड़ें, इसको आप किस नजर से देखते हैं, क्या ये सक्सेस हो सकता है? सरकार, मेरा मानना है सरकार का ये जो निर्णय ही है ना, ये सरासर शराब नीति जो लागू की है वो सरासर गलत है। शराब नीति लागू करना ये तो शिक्षक के लाए, वो तो सरासर एकदम गलत है, उनका निर्णय ही है, पता नहीं क्या कहीं ना, तो पढ़ाएंगे कब, वही तो बता रहे हैं कि पता नहीं, अब किसी का बच्चे के, उनका मकसद में समझ रहा था कि किसी का बच्चा से पूछना है कि आपका पापा शराब पीते हैं, तो आप उस बच्चे को बताइए पापा आप शराब न पीजिए। आप बताइए कि आप ये सूत्र में जब एग्जाम लेंगे उस बच्चा का, तो ये भी आएगा। हाँ, सही बात, ये आप अपना जो प्रोजेक्ट दीजिएगा बच्चा का एग्जाम में, उसमें ये भी आएगा क्या? तो ये तो सरासर गलत है। ऐसे ऐसे कितने टीचर को कुछ काम दे दिया जाता है, एक तो मध्याह्न मिड डे मील जो चल रहा है, चलिए जागरूकता बढ़ाने के लिए किया गया था, ठीक है, जागरूकता तो बढ़ गया है, आप जब जागरूकता बढ़ गया वहाँ क्लास ही नहीं चलता है, तब तो लोग प्राइवेट स्कूल में या प्राइवेट कोचिंग में भेजते हैं। जैसे पहले पुराने शिक्षक थे, जहाँ भी थे स्कूल में तत्पर थे, उनको नियमित वेतन मिलता था, सभी लोग एक्टिव होकर के पढ़ाते थे कि जब मुझे नियमित वेतन मिल रहा है तो मैं नियमित ड्यूटी करूंगा, चाहे वो छात्रावास का टीचर हो, चाहे स्कूल का टीचर हो, प्राथमिक स्कूल का टीचर हो, रह करके स्कूल में, नहीं तो किसी घर डेरा ले करके पढ़ाते थे। लेकिन अभी का शिक्षक है, कोई स्कूल के ऊपर सरकार का ही नीति गजब आता है, सरकार का नीति गजब है। एक बात और है भैया, जैसे कि देखने को मिल रहा है कि टीचर जो है शराब को पकड़ेंगे, शराब पकड़ना अच्छी बात है उस शराब, लेकिन शिक्षक के हाथों में नहीं देना चाहिए, हमारा भी ओपिनियन है शिक्षक के हाथों में सब चीज ना होना चाहिए। शराब बंदी अभी सरकार, हम बताए ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रेक्टर होने के नाते हमें जानकारी है, सरकार की जो बिहार सरकार है उसकी माली अवस्था बिल्कुल खराब है, मतलब मान के चले कि इनका फाइनेंशियल बिल्कुल कमजोर हो चुका है, और कमजोर होने का कारण है जहां से आपका खजाना में पैसा आएगा वो सारा चीज बंद है। आप शराब को नियमित रूप से उसमें सुचारू ढंग से जो चालू था उसको चालू करते, जगह जो आप नीतीश कुमार जी आप ही थे जो ब्लॉक स्तर पर खुलवाए थे, ब्लॉक स्तर के बाद पंचायत स्तर पर शराब का दुकान खुलवाया और आप ही बंद करवाए। पहले जिस ढंग से चल रहा था शराब का दुकान उसी तरह से चलने देना चाहिए, उससे रेवेन्यू भी आपके आता। बिहार में कौन ऐसे मंत्री हैं, नेता हैं जो नहीं पीते हैं? हाँ, जो सब पीते, वीडियो सब वायरल होता है, जिसका वीडियो भी वायरल हम लोग देखते हैं। दूसरी चीज है कि आप बालू बंद किए 2 साल, किसका घर नहीं बना, बालू बंद कर दिए तो आपका रेवेन्यू नहीं आया, लेकिन चोरी छुपे सभी लोगों उसका काम जारी ही रखे। पहाड़ बनन खनन बंद कर दिए, पहाड़ का माइनिंग उसका भी आप रेवेन्यू नुकसान हुआ, लेकिन जिनको लाना था वो झारखंड से जाकर के ला करके अपना काम करते ही रह गए, लेकिन आपका रेवेन्यू तो चला गया, और जो माफिया लोग हैं उनका बढ़ावा दे दिए आप, माफिया का तो और रेट बढ़ा चढ़ा करके वो दबंग टाइप होते हैं, वो अपना काम करते रह गए, तो आप कहाँ हैं? उसका डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल नुकसान हुआ। जैसे बालूबंदी में
100 पॉपलेन सासाराम में, डेहरी नदी में, सोन नदी में इन्होंने नुकसान किया। जैसी पॉपलेन के बॉकेट से उसको थास चूर के बर्बाद करने का काम किया। अब बताइए कि आपका सरकार और आपकी प्रशासन अगर सही थी तो वो सोन नदी में 100 पॉपलेन एक दिन में तो नहीं उतर गया होगा। तो कहीं ना कहीं आपका प्रशासन और आपका मिली भगत से उसको किया गया था। दूसरी चीज है कि आपके द्वारा बालू का टेंडर, माइनिंग का, बालू का घाटों का नीलामी 2020 में किया गया था, 20 में ही समाप्त हो गई थी। पंचवर्षीय जो जो कंपनी लिए थे उसका 20 में ही समाप्त हो गया था, लेकिन 20 के बाद पूरा एक कैश कौन चलाया, उसका रेवेन्यू कहाँ गया? तो ये नीतीश कुमार मिला जुला के ये जो है बस शिक्षा व्यवस्था, तो पूरा शिक्षा व्यवस्था चौपट, पूरे सरकार का और बिहार का जो व्यवस्था है फाइनेंशियल बिल्कुल कमजोर हो चुका है। चाहे जो भी काम हो रहा है, जहां भी काम हो रहा है, उसका फाइनेंस नहीं कर पाता है, चाहे वो ठेकेदार हो, चाहे मजदूर हो, चाहे जो भी लोग हैं, सभी लोग त्राहिमाम हैं इस सरकार से। इन्होंने नल जल चलाया, पंचायती राज का नहीं कि वार्ड एवं क्रियाबंधन समिति को दिया जाएगा। कितना जगह आपका नल जल पीआरडी से चालू है, पंचायती राज के माध्यम से कितना जगह चालू है, सब काम मतलब ऐसा ही रहा, सबका सब फ्लॉप है। एक और सवाल भैया बोल लीजिए। अब सच्चाई रूप से जांच कर लिया जाए, निष्पक्ष रूप से जांच कर लिया जाए, तो बिहार में पंचायती राज के माध्यम से जितने भी नल जल का काम हुए हैं वो सारे 80% फेलुअर। और ये वहाँ इनके बारे में मोदी जी भी बोल रहे थे कि नहीं बिहार में पीने के लिए स्वच्छ, वो तो आप स्थल निरीक्षण में देख लेंगे। आइए हम घुमाते हैं। एक और आखिरी, आपके पंचायत में हम कुछ देर रुके थे, आपके प्रति में आप सुनने में आए कि आप एम्बुलेंस की व्यवस्था अपने फंड से, निजी फंड से कर रहे हैं। जी बिल्कुल सही बात है। जी 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 बहुत अच्छी बात है भैया। मई जून तक हम अपना निजी फंड से एम्बुलेंस का व्यवस्था करवा रहे हैं, जिससे उसका फ्री सेवा रहेगा। आप डीजल डलवाइए और गाड़ी लेकर के जाइए। आपातकालीन सेवा, शौकियल कोई सेवा नहीं, आपातकालीन सेवा उससे है। वो पंचायत में उपस्थित रहेगा, 24 आवर आपका हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा, उस पर आप कॉल कीजिए, आपका जरूरी है, गाड़ी लेके जाइए, डीजल डलवाइए, फिर गाड़ी पुनः, उसका कोई शुल्क नहीं लगेगा। बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि गरीब का भाई साहब जो ले, खास करके हरिजन में जो गरीब होते हैं उनका जाने आने में भी तकलीफ होता है। बिल्कुल, हमारा पंचायत में अभी कहीं पर भी जाएंगे तो 20 किलोमीटर के अंदर में कहीं कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं, स्वास्थ्य केंद्र नहीं, सही बात। तो फर्स्ट एड अगर किसी को कर दिया जाए तो जिस तरह से रोड खराब है, जिस तरह से जाने 20 किलोमीटर जाने में किसी को भी तो 1-1.5 घंटा लगेगा, और रोड खराब में तो 3 घंटा लगेगा। मेरा प्रखंड जाने में, मेरा पंचायत से 2 घंटा लगेगा जितना रोड। अगर बरसात हो गया तो नदी पर पुल नहीं है तो वो तो जाना ही छोड़ दीजिए। तो भाग भरोसे लोग यहाँ अपना निजी व्यवस्था से लोग रह रहे हैं, निजी डॉक्टर, निजी हॉस्पिटल के सहारे रह रहे हैं, या सरकार का कोई सुविधा, सरकारी हॉस्पिटल का कोई सुविधा नहीं है। सुनने भी हम लोग सुनने में आया भी है कि आप कुछ खेल के बारे में भी अपना पंचायत में कुछ खेल कूद में भी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं खेल कूद में पहले से सब लोगों का सहयोग करते आया हूं और उसका बढ़ावा देने का काम करूंगा। 5 साल में खेल, और हर एक खेल में, ये नहीं, पहले तो लोग एक क्रिकेट धर पकड़ लिए थे तो उसी से चल रहे थे। मेरे तरफ से राष्ट्रमंडल जितने भी खेल हैं सब में बढ़ावा दिया जाएगा, चाहे वो कबड्डी हो, टेनिस हो। अभी हमारे प्रखंड से कुनहार लड़का मटिहानी पंचायत इटहरी से देखिए टेनिस में गया, जो कि हमारे जिला से प्रथम लड़का टेनिस का कोई नाम भी नहीं जानता। हाँ हाँ, आज ही कल में गया। हाँ, कल ही में गया, कोई लड़का में दिखा रहा था। आप बताइए कि जब वो टेनिस हो चाहे कबड्डी, वो उस पर हर बच्चा का अलग अलग कला होता है, अलग अलग विचार होता है, तो एक ही क्षेत्र में बढ़ावा किसी को देने में, दबाव देने से नहीं हो पाएगा। इसलिए सभी चीजों को बहाल करनी चाहिए। सरकार के द्वारा दिया गया, लेकिन यहाँ टीचर के, हम लोग देखते थे प्राथमिक विद्यालय में कि खेल कूद से संबंधित सारी व्यवस्था कराया जाता था, लेकिन अभी कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। पहले खेल कूद के लिए सारा चीज स्कूल में व्यवस्था था, लेकिन अभी कुछ भी नहीं है। स्कूल के माध्यम से छोटे छोटे बच्चे के अंदर जो कला है वो प्रदर्शन कैसे कर सके, जब तक वो सरकार के माध्यम से उसको, कितने प्रतिभागी हैं वो अपना प्रतिभा का नहीं कर पाते हैं। सो अब खेल के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, शिक्षा के बारे में एक काम करिएगा, ज्यादा इसमें कुछ
रेवेन्यू नहीं है, जब इतना निजी आप कर ही रहे हैं, एक अपने पंचायत में एक लाइब्रेरी खोल दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ जितना हो पाएगा हम भी सपोर्ट करेंगे इसमें। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, एक लाइब्रेरी, ताकि अभी तक बिहार में किसी भी पंचायत में हमें जितना मालूम है लाइब्रेरी किसी ने बना, लाइब्रेरी के लिए तो हम पहले से भी सोच बना के रखे हुए हैं। पंचायत के मुख्यालय ग्राम में लाइब्रेरी का व्यवस्था होगी, जो और उसमें जितने भी इच्छुक हैं सारे तरह का पुस्तक उपलब्ध रहेगी, और जिनको पढ़ने की व्यवस्था वहाँ आकर बैठ के वो आराम से पढ़ सकते। और एक आखिरी सवाल है भैया, लास्ट में मैं आपसे ही कहूँगा कि आप अपने कम से कम अपने पंचायत के जो सरकारी स्कूल है, क्योंकि गरीब का बच्चा वही पढ़ता है, आपको भी पता है, हम लोग भी उसी से पढ़ के हैं, तो कॉन्वेंट में तो पढ़े नहीं, आप भी उसी हाल में, हम भी हाल में, तो कम से कम उसको सुधार दीजिएगा। जो पढ़ाने लायक है, जो मास्टर, ऐसा नहीं कि सब बेवकूफ़ है, कुछ लोग आपके स्कूल में अच्छे अच्छे भी लोग हैं, तो कम से कम उन लोग अच्छे शिक्षा दे पाए। और इसमें ये तो आपका, ये तो आपकी हक की चीज़ है, इसमें आप दबाव डाल सकते हैं। और एक और कोशिश करिएगा अपने तरफ से प्यार से, इसमें आपकी पावर तो नहीं है, कि जो शिक्षक है, जो जिस विषय का पढ़ाता है, एक बार अगर वो नहीं पढ़ा पाते हैं तो कम से कम स्टडी करके आए, क्योंकि भाई यहाँ आकर बैठना नहीं है। हाँ, थोड़ी सी इस पर ध्यान दीजिएगा तो आपकी क्षेत्र जो है आपकी नहीं, धीरे धीरे इसी तरह का आगे, आज आपके साथ हम मिले, लोग देखेंगे, धीरे धीरे सब लोग आगे बढ़ने की प्रयास करेंगे, क्योंकि शिक्षा होगा तभी सुधरेगा देश। तो आखिरी टाइम में क्या कहना चाहते हैं लोगों को? आखिरी टाइम में मैं सभी को अभिनंदन करता हूं, प्रणाम करता हूं, और बस सभी नौजवान लोगों से हैं, मेरे भाई हैं बुद्धू सर, और इनका सपोर्ट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जो लोग नहीं किए हैं, और जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं चैनल से तो सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो हम लोग फिर आएगा, आप कमेंट करिएगा कि अरविंद भैया से अगला सवाल हम क्या पूछे, इस बार तो हम अपने मन से पूछे, और फिर कमेंट करिएगा कि अगला सवाल हम क्या पूछे, और आप भी कुछ अपना राय दीजिएगा, ताकि हमें भी कुछ नॉलेज मिल पाए कि पंचायत में क्या क्या होते हैं। बाकी तो हमें जो पढ़े हैं पंचायत के हिसाब से वही जानते हैं, बाकी तो हमें पता नहीं है कि क्या क्या इसमें फंड वगैरह आते हैं। तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर दें, आप सभी लोग जवाब देना कि भैया से हम क्या क्या पूछे और क्या क्या सुधार हो सकता है जो इनकी बस की चीज़ें हैं। बाकी तो हम इनसे पावर से हटके, तो भाई एम्बुलेंस तो आप पावर से हटके ही करेंगे, लाइब्रेरी तो ये पावर से हटके करेंगे, खेलकूद तो पावर से हटके करेंगे, बस आप किसी कुछ दीजिए ता नहीं, शिक्षा भरपूर दीजिए भैया, आपका पंचायत डेवलप होगा। फिर आएंगे, इनका पंचायत भी हम कभी ना कभी जरूर घुमाएंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार, जय मगध, जय केवला पंचायत भैया। चलिए, धन्यवाद।